दोस्तों, पहली बार एस्ट्रोफिजिसिस्ट की टीम ने एक डेड प्लैनेट को डेड स्टार की सरफेस पर गिरते हुए देखा, तो इसके पीछे की क्या मिस्ट्री है और ये बात कितनी सच है या कितनी झूठ, इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो नॉट वेस्टिंग योर टाइम, शुरू करते हैं आज का वंडरफुल वीडियो जिसका टाइटल है डेड होप सोलर सिस्टम। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ध्रुव और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल इनसाइड स्पेस फैक्ट्स। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। साइंटिस्ट को यह एक्सपेक्टेशन जगी है कि इससे सोलर सिस्टम के अंत से जुड़ी मिस्ट्री से पर्दा उठेगा। दशकों से साइंटिस्ट के मन में सवाल उठते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का अंत कैसे होगा। ऐसे में यह संभावना जगी है कि प्लैनेट अपनी एज को खत्म करने के बाद हमारे सोलर सिस्टम के राजा समान सन या नियरेस्ट स्टार्स या नियरेस्ट प्लैनेट के हेवी ग्रेविटेशन की वजह से उसमें समा जाएंगे। इस इवेंट को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मून एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने रिकॉर्ड किया है। इस इवेंट की जानकारी नासा के रिसर्चर्स की पब्लिश्ड मैगजीन नेचर में पब्लिश एक एनालिसिस में किया गया है। सोलर सिस्टम के फ्यूचर पर रिसर्च करने वाले यूनिवर्सिटी ऑफ वार्विक में पोस्ट डॉक्टर फेलो और इस स्टडी के लीड राइटर टीम कनिंगम ने इवेंट से जुड़े ब्यौरे को सार्वजनिक किया। उन्होंने आगे बताया कि हमारी टीम को और प्रूफ मिले हैं कि व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स प्रेजेंट में ओल्ड प्लैनेट के अवशेषों को जमा कर रहे हैं। इस तरह के प्रूफ से हमें अपने सोलर सिस्टम सहित हजारों नॉन एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम के पॉसिबल फ्यूचर की एक झलक मिल सकती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सभी स्टार्स में लगभग 97% अपनी लाइफ के एंड टाइम पर व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाएंगे। व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स हमारी ब्यूटीफुल अर्थ के जितने छोटे आकार में सन के जितना मास रख सकते हैं। माना जाता है कि जिन स्टार्स में इतना मास नहीं होता है वे आगे चलकर अपनी कैपेसिटी को खत्म हो जाने पर न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाते हैं, बाद में सारे व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स में तब्दील हो जाते हैं। तो आइए यह जान लेते हैं कि व्हाइट ड्वार्फ स्टार आखिर होते क्या है। वैसे तो आप हमारी YouTube चैनल के रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपने हमारा व्हाइट ड्वार्फ स्टार वाला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो फिकर नॉट, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड वॉच इट। बट यहाँ शॉर्ट में समझ लेते हैं व्हाइट ड्वार्फ स्टार के बारे में। सन के मास से 10 गुना लार्जेस्ट स्टार को अपने लाइफ के एंड में सुपरनोवा एक्सप्लोजन का शिकार होना पड़ता है। व्हाइट ड्वार्फ स्टार तब फॉर्म होते हैं जब वे अपने हाइड्रोजन को पूर्ण रूप से जला देते हैं। यह हाइड्रोजन की स्टार को फ्यूल देता है। कुछ ऐसी ही घटना 5 अरब साल बाद हमारे सन के साथ भी होनी तय है। फ्यूल खत्म होने के बाद इन स्टार से रेड फ्लेयर काफी दूर तक का सफर तय करती है। इन तारों का कोर तब भी बहुत गर्म होता है जो ड्वार्फ स्टार के नाम से फेमस हो जाता है। अंतरिक्ष कितना विशाल और कई किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, ब्लैक होल और कई ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई ना कोई राज छुपा होता है। साइंटिस्ट आए दिन नए नए एक्सपेरिमेंट के जरिए ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं और हमारी पृथ्वी से बाहर कहीं पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में खोजते रहते हैं। तो आप सब इनके बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी चैनल से जुड़े रहे और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कॉमेंट करके बताए। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद।